तो क्या आपको भी अपनी पुरानी कुर्ती को अर्बन टच देके एक ब्यूटीफुल आउटफिट बनाना है? सो ये वीडियो है आपके लिए। सो मैं एडजस्टमेंट कर रही थी कि मैं इधर की तरफ प्लांट रखूंगी, इधर की तरफ। आई थिंक इस लोकेशन में ज्यादा बेटर लग रहा है। सो यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कुर्ती। तो ये मेरी बहुत पुरानी कुर्ती है, 2016 की कुर्ती है, ट्रस्ट मी 2016, और अभी 2023 चल रहा है, तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। देन ये कुर्ती मुझे बहुत टाइट है, स्पेशली शोल्डर्स के एरिया से बिल्कुल भी नीचे नहीं जाती थी। एंड मैंने सबसे पहले ओपन अप किया है यहाँ से, साइड से, सो दैट मैं इजीली इसको वेयर कर सकूँ। देन इसके साथ हम पेयर अप करने वाले हैं एक डेनिम जीन्स। कौन सी डेनिम जीन्स वो मैं आपको दिखाती हूँ। देन इसको फिर हम पेयर अप करेंगे कुछ एक्सेसरीज के साथ जो इसको एक अर्बन टच देगा। सो लेट मी शो यू दैट। एज यू कैन सी, मैंने कुर्ती पहन ली है जो मुझे बहुत टाइट थी, मैंने यूज कर रखी, तो आपको थोड़ा थोड़ा ऑल्टरेशन दिख रहा होगा। देन मैंने इसको पेयर अप किया विद द डेनिम जीन्स, एज यू कैन सी। सो दिस इज द कलर। सो बेसिकली कुर्ती बहुत ज्यादा डार्क कलर की थी, तो मैंने प्रेफर किया लाइट कलर वेयर करने का, सो दैट कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा लगे, राइट? सो अभी मैं आपको अपनी हाफ लुक दिखा रही हूँ, जान के दिखा रही हूँ, मैंने एक्सेसरीज वेयर नहीं करी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि अगर आपके पास कोई भी पुरानी कुर्ती है जो बहुत टाइट हुई हुई है, जैसे सिंपल सी लाइक ब्लैक कलर में बिल्कुल सिंपल थी, अगर वाइट ब्लू ग्रीन हो सकती है, फुल स्लीव्स हाफ स्लीव्स हो सकती है, नॉट अ बिग डील। अगर पास कट स्लीव्स है या हाफ स्लीव्स है तो कुछ ज्यादा बेटर है। देन सो गाइस, मैंने एक थोड़ा सा मेसी बन क्रिएट किया, नॉट एग्जैक्टली मेसी बट थोड़ा सा, एंड आगे की तरफ थोड़े से मैंने लटे अपनी निकाल ली है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और हम इसको सबसे पहले पेयर अप करने वाले हैं विद दिस ब्यूटीफुल बैंगल्स। यस गाइस, ये बैंगल्स मैंने मीशो से परचेज की थी, एंड ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अगर आपको दिख रही हैं तो, राइट? दिख रही है, ओके। सो ये बहुत सुंदर है। तो पहले हम बैंगल्स वेयर करने वाले हैं सिर्फ एक हैंड में, एक हाथ में। ओह गॉड, मेरी हिंदी और इंग्लिश, इट्स ओके मैक्स, इट्स ओके। सो या दिस यू कैन सी लुक सो क्यूटी। सो यस गाइज, फर्स्ट टच इज दिस ब्यूटिफुल सेट ऑफ बैंगल्स। आप चाहो तो आप बड़े वाले जो कॉपर में कड़ी आती हैं या डिफरेंट बैंगल्स आती हैं, हम उनको भी पेयर अप कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि आपको यही पेयर करने हैं, बट अगर आप थोड़ा सा इस टच में जाओगे तो येस, इट विल बी मोर हाईलाइटिंग टू योर आउटफिट। देन सेकेंड जो हम टच देने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द इयर रिंग्स। सो मैंने ऑलरेडी इयर रिंग्स निकाल लिए थे इसके साथ ही, एंड वो बहुत सुंदर है। Let me show you. Dun, dun, dun. Looks so pretty. See, so beautiful, right? Oh, no, that is pretty. Sorry. Now you can see. See, it's so beautiful. Dun, dun, dun. So let's wear it. Me. यार मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे मेरे को कभी होल मिलता क्यों नहीं करता। हाँ, मिल गया। सो यस, दिस इज द सेकेंड टच। आई थिंक देखा जाए तो प्रोबेबली ये थर्ड टच है, बिकॉज मैंने कुर्ती को डेनिम के साथ ही पहना था। सो या, बट इट्स फाइन, वी कैन से इट सेकेंड टच। सो ये हमारी सेकेंड टच ऑफ ज्वेलरी है। आप एक्सेसरीज वेयर कर सकते हो कोई सी भी। सो अगर आपको लग रहा हो कि यार ये अनइवन लग रहा है ना, मैंने कॉपर कलर के ये पहने हैं और ये डिफरेंट कलर का है, सो यू विल बी लाइक कि क्या ये अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज जो हमारा लास्ट टच है वो और सुंदर है। मतलब बेसिकली लास्ट टच तो नहीं है, और भी दो तीन चीजें मैं ऐडअप करने वाली हूँ, सो लेट्स डू दैट। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस ब्यूटीफुल चोकर। यस, वी आर गोइंग टू वेयर दिस ब्यूटीफुल चोकर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुर्ती में कॉलर नहीं है, अगर आपकी कुर्ती डीप नेक है, अगर आपकी कुर्ती में, अगर आपको दिखता है कि आपका जो नेक एरिया है वो काफी ओपन है, ब्रॉड है ना, तो आप चाहो तो आप इसके साथ, मतलब सिर्फ इयर रिंग्स बैंगल्स के साथ भी अपनी लुक कंप्लीट कर सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको नेक पीस भी पहनना पड़े, बट मुझे लगता है कि मेरी कुर्ती इतनी सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई ओल्ड कुर्ती है और उसमें बहुत अच्छा प्रिंट हुआ हुआ है, डिजाइन हुआ हुआ है, राइट? तो उसके ऊपर अगर आप सिर्फ इयर रिंग्स वेयर करते हो या सिर्फ बैंगल्स वेयर करते हो, तो एक अच्छा सा टच फिर भी है और एक ब्यूटिफुल आउटफिट निकल के आएगा, राइट? बट वेन इट कम्स टू अ प्लेन कुर्ती, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, कोई से भी कलर की प्लेन कुर्ती है, मिरर वर्क भी नहीं हुआ हुआ, अगर मिरर वर्क हुआ हुआ है तो भी आप एक्सेसरीज वेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट
अगर बिकॉज उसमें थोड़ा सेटल हो जाओगे, बट अगर इस आउटफिट की बात करती हूँ, ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक है और इसके ऊपर मैं अगर जितनी भी एक्सेसरीज वेयर करूँ, कोई बर्डन, कोई स्ट्रेस, कोई गॉटी, कोई गंदा सा बिल्कुल नहीं लगेगा. इट विल लुक ब्यूटिफुल. सो लेट्स वेयर इट. पहनती हूँ. ओके, क्या आपको मैं दिख रही हूँ? सो प्रिटी. ओके, एक मेरे को शौक है कि मुझे हर स्टेट में जा जाके उसकी जो एक ऑथेंटिक और कह सकते हैं ना ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होती है वो कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है. सो चलो अब इस पर आ जाते हैं. पहले तो ये दोनों के दोनों कमलनगर से मैंने परचेज करी है और इनका प्राइस मैं ये कह सकती हूँ कि राउंड ऑफ ये मुझे पड़ी होंगी 150-200 रुपीज़ की. एंड ये चोकर मुझे पड़ा था बिकॉज ये अपने खुद के एयरिंग्स के साथ है, इसके खुद के एयरिंग्स पेयर भी है, तो पूरा पेयर मुझे पड़ा हुआ 250-300 रुपीज़ का. दैट्स इट, अराउंड 300 के अंदर ही आया होगा बिकॉज मैं ज़्यादा 300 से अबव मैं बहुत ही रेयर कुछ चीज़ पिक करती हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं लेती. और ज्वेलरी पे तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती इतना. सो यस, ये नॉर्मल. और ये जो है इसका लिंक मैं ऑलरेडी मैंशन कर दूँगी आपको, तो आप ईजिली देख सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो. नाउ एथनिक है और हमने बिंदी नहीं लगाई, ऐसा हो नहीं सकता. सो लेट्स डू दैट. सो यस, ये ब्यूटिफुल कोल्हापुरी चप्पल या पता नहीं से क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, बट इस फुटवेयर को बेसिक मेरी मॉम लेकर आई है. ये 250 का पड़ा था मुझे पेयर, मामा ने बताया था, मामा जयपुर से लेकर आई है इसको. ये मुझे पता है 250 का आया है, लोकल मार्केट से आया है. सो यस गाइस, इसका भी लिंक नहीं है, सॉरी. बट यस, आप देख सकते हो कि लुक सो प्रिटी. अगर आप देखो इसके ऊपर डिज़ाइन है, देन नीचे की तरफ भी डिजाइन है और प्रॉपर घुंघरू है. तो अब तक आप यहाँ तक आ चुके हो वीडियो में, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि मैं कैसी लग रही हूँ और इसके बाद वाली क्लिप में भी कैसी लग रही हूँ. और ज्यादा बातें नहीं करते, लेट मी गिव यू द फुल लुक. सो यस गाइस, लाइट ऑन करनी पड़ी बिकॉज मैं ये पूरा का पूरा वीडियो बनाते बनाते सनसेट हो चुका है. एंड लेट मी शो यू सनसेट कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. सो जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ओके, लाइक दिस वीडियो एंड स्पेशली दिस कॉन्सेप्ट कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. तो यस, अगर आपके पास भी कोई पुरानी ऐसी चीज है जो आपको लगता है क्वालिटी अच्छी है, तो उसको ऑल्टर करके एक अर्बन टच देके एक ब्यूटीफुल आउटफिट क्रिएट करना बिल्कुल मत भूलना. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, गाइस what are you waiting for? Please subscribe our channel. So do share it with your friends and family, and especially उनके साथ जो ethnic lover हैं, जिनको ethnic से प्यार है, just like me. मेरे को अभी भी उन्हें लगा by the way. So yes, we'll catch you in my next video. Till then, see ya and lots of love.